दोस्तों, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी शॉप में काम करते हैं, या तो फिर कंप्यूटर संबंधित आप कुछ काम करते हैं, तो यार उस कंडीशन में आप देखोगे कि पीडीएफ में अगर चार पेज है तो आपके मन में ये ख्याल आता है, या तो कस्टमर भी बोलता है कि एक पेज में इसको प्रिंट कर दीजिए। मतलब चार पेज का जो पीडीएफ है उसको आप एक ही पेज में प्रिंट कैसे करोगे। तो इसी के बारे में आज बात करने वाले दोस्तों, कि अगर हम चार पांच पेज, आठ पेज, दस पेज है, तो उसको हम दो दो पेज या चार चार पेज एक ही पेज में कैसे प्रिंट करेंगे। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना, हो सकता है यार कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं कि पीडीएफ के जो पेज होते हैं उसको एक पेज में हम प्रिंट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में और यहाँ पर देख सकते हैं एक पीडीएफ फाइल है, तो उसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना पेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टोटल चार पेज है और मैं चाहता हूँ कि ये चारों पेज को एक ही पेपर में निकालूँ। तो A4 साइज पेपर मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी चार पेज है ना वो सब एक ही पेपर में आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या, यहाँ पर जाना पड़ेगा प्रिंटर में, ठीक है। यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ पर जो भी प्रिंटर है आप उसको सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आ जाना। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ आपको जो भी साइज़ है या तो जो भी क्वालिटी है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और उसके बाद उसको ओके करने के बाद इस तरह से आप आएंगे तो डायग्राम दिखते रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आएंगे ना तो पेज स्केलिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ हमें क्या करना है, क्लिक करके यहाँ फिट टू प्रिंटेबल एरिया और श्रिंक ये सब लिखा हुआ है, तो नीचे से सेकंड लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं आप मल्टीप्ले पेजेस पर सिक लिखा हुआ है। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप दो पेज एक ही पेपर में प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ये आप दो कर सकते हैं। अगर आप चार पेज करना चाह रहे हैं तो आपको चार पेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक पेपर में दो पेज निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ हम प्रिंट कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, कि ये वाली जो पेज है और उसके बाद सेकंड वाली पेज है वो अगल बगल में प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पहला पेज हो गया और ये दूसरा पेज, मतलब ये वाला हो गया पहला पेज और ये हो गया दूसरा पेज और ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा पेज। तो अगर आप दो पेज को एक ही पेज में निकालना चाहें तो इस तरह से निकलेगा, ठीक है। अगर आप इसमें चार पेज करना चाहें तो उसका भी सेटिंग अलग है। तो चलिए देख लेते हैं, हम पेपर को वापस डाल देते हैं इसमें, ये इस तरह से डल जाएगा और उसके बाद जो है हम वापस अपने कंप्यूटर में आके प्रिंट सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद जो यहाँ पर दो लिखा हुआ है ना इसको हम चार कर देंगे। तो चार करेंगे तो एक ही पेज में ये चारों प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं, यहाँ से मैं प्रिंट दे रहा हूँ और ये प्रिंट हो गया है। अब थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे प्रिंट होते तक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दो तीन चार, मतलब जो चार पेज था हमारे पीडीएफ में वो एक ही पेज में प्रिंट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह से कॉन्टेंट आपको मिल सके। तो मिलते किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।